नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कल की 28980 के बारे में वीडियो है। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो तुरंत आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये पहली फिल्म है जो मतलब $3 मिलियन की एडवांस बुकिंग USA में, मतलब पूरे ओवरसीज में मान लीजिए आप, नॉर्थ अमेरिका में केवल $2.5 मिलियन की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो पहली फिल्म है जो $3 मिलियन की एडवांस बुकिंग प्राप्त कर चुकी है अपने रिलीज से 4 दिन पहले। तो ये एक रिकॉर्ड कायम हो गया है और बहुत बड़ा मतलब ये एक रिकॉर्ड साबित होने वाला है। और जहाँ तक बात करें अपन भारत की, तो भारत की भी एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है, तो भारत की हो जाएगी जल्दी शुरू, मैं तो कल की उम्मीद कर रहा था। हालांकि कुछ जगह शुरू हुई है, कुछ थिएटर्स में एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, विशेषकर हैदराबाद में, लेकिन फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग आज शाम से शुरू हो जाएगी, ऐसी खबरें आ रही है। देखते हैं, अभी तो कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है जिस समय तक मैंने वीडियो बनाया था। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें तब तक ये एडवांस बुकिंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ी खबर कल की है। जहाँ तक इसका ट्रेड के बारे में अनुमान है, तो ट्रेड ये मान रहा है कि 200 करोड़ का ओपनिंग ये फिल्म लेगी कम से कम वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जितना इंडिया से ओपनिंग आना है उसके बराबर ही ओवरसीज से भी ओपनिंग डेफिनेटली आना है। 10,500 से 11,000 स्क्रीन पर फिल्म रिलीज होने वाली है कम से पूरे विश्व भर में। भारत में कम से कम 5,000 स्क्रीन फिल्म को मिलने वाली है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, सभी भाषाओं को मिला करके। और काफ़ी बड़ी ये कलेक्शन इसका तेलुगु से और हिंदी वर्जन से आएगा। हिंदी के कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि हिंदी में फिल्म बवाल की एडवांस बुकिंग लेगी और बवाल का कलेक्शन करेगी, मेरा यह मानना है। क्योंकि ट्रेलर 2 है वो बहुत धमाकेदार था, बहुत ज़बरदस्त था, और जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन यहाँ पे जो कि एंग्री यंग मैन रियल एक्शन हीरो जिनको कहा जाता है, वो जिस प्रकार से प्रवास के साथ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये फिल्म क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और हिंदी ऑडियंस में और तेलुगु में भी अमिताभ बच्चन काफ़ी लोकप्रिय है, बाकी प्रवास तो पूरे विश्व भर में लोकप्रिय है ही, डेफिनेटली फिल्म काफ़ी ज़्यादा करेगी। तो आज शाम तक एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो कल मैं आपको एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट दूंगा। शाम को हो गई तो पहले एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट जरूर दूंगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि फिल्म जबरदस्त कमाल करने वाली है। BMS 800 के पार कर चुका ऑलरेडी, देखते कितना करता है। 1,000 के तो का लग ही रहा है, तो नए रिकॉर्ड्स तय है, नए रिकॉर्ड्स बनने, निश्चित रूप से नए रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं, पुराने रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। ओवरसीज में ऑलरेडी एडवांस बुकिंग के मामले में बाहुबली, RRR के GF जैसे चैप्टरों का रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका है, सालार जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुका है, और सभी फिल्मों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने वाला है। जय श्री राम, जय बोलना।